हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे टेंसर मेंबर के बारे में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कि किसी प्लेट की स्ट्रेंथ या उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी हम किस तरीके से फाइंड करते हैं जबकि हमने प्लेट में स्टैगर्ड रिवेटिंग की हुई है। स्टैगर्ड रिवेटिंग, जिसे हम जिगजैग रिवेटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कमेंट लिखे हुए हैं, उन कमेंट्स को आप जरूर देखें। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे स्टैगर्ड या जिगजैग रिवेटिंग केस में हम प्लेट की स्ट्रेंथ हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टैगर्ड रिवेटिंग या जिगजैग रिवेटिंग का पैटर्न हमारा किस तरीके का होता है। तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम को, इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारी क्या है, रिवेट लाइंस हैं। तो इन रिवेट लाइन पर आप रिवेट्स का पैटर्न देखें, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमने इस जंक्शन पर हमने रिवेट लगा रखी है, जबकि यहां पर हमने रिवेट प्रोवाइड नहीं की, और अगले पॉइंट पर हमने अल्टरनेटली रिवेट प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर नहीं कर रहे। दूसरा, आगे अगर आप देखें, यहां पर हमने रिवेट प्रोवाइड नहीं किए, तो जहां हमारी रिवेट नहीं थी वहां पर हमने रिवेट प्रोवाइड किए, और यहां पर हमने रिवेट प्रोवाइड नहीं कर रखी है। तो ये जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न हमारा रिवेट का क्या कहलाता है, स्टैगर्ड या जिगजैग रिवेटिंग हमें कहलाती है। तो देखें, जब हम रिवेट के केस में, यानी अलग अलग पैटर्न हम यूज करते हैं रिवेट का, जैसे कि हम चैन रिवेटिंग करें या फिर हम स्टैगर्ड रिवेटिंग करें या फिर हम डायमंड रिवेटिंग करते हैं, तो जैसे जैसे हम रिवेट पैटर्न चेंज करते हैं वैसे वैसे हमें स्ट्रेंथ भी देखने को मिलती है। कि ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम रिवेट पैटर्न चेंज करेंगे, हमारे जो क्रिटिकल सेक्शन है, जो हमारे फेलियर सेक्शन है, उसके अलोंग हमें प्लेट का नेट एरिया अलग अलग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ भी हमारी अलग अलग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है प्लेट के नेट क्रॉस सेक्शन एरिया पर, और जो कि हमारा रिवेट पैटर्न चेंज होने पर नेट क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, आगे बात करेंगे। तो देखें यहां पर, तो अब हमें यहां पर देखा कि रिवेट पैटर्न हमारा किस तरीके से है। तो जब हमने पिछले लेक्चर में बात की थी तो हमने देखा था कि चैन रिवेटिंग केस में हमने अलग अलग सेक्शन सेलेक्ट किए थे। जैसे देखें यहां पर हमारे ये चैन रिवेटिंग है, तो ये हमारा सेक्शन है सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2, सेक्शन 3-3। तो जब चैन रिवेटिंग होती है तो उसमें आप कोई भी सेक्शन सेलेक्ट करें, चाहे सेक्शन 1-1, सेक्शन 2-2 या सेक्शन 3-3, आप देख रहे हैं सभी सेक्शन पर इक्वल रिवेट आपको देखने मिल रहे हैं। सभी सेक्शन पर 3-3 रिवेट यहां पर लगे हुए हैं। तो 3-3 रिवेट लगे हुए हैं और सेम पैटर्न में है, तो उस केस में हम किसी भी सेक्शन पर एरिया नेट फाइंड करें तो एरिया नेट भी हमें क्या होगा, सेम पैटर्न पर हमारा सेम नंबर ऑफ रिवेट्स पर हमें सेम नेट एरिया देखने को मिलेगा, और हर सेक्शन पर हमें क्या होगा, स्ट्रेंथ भी सेम देखने को मिलेगी। लेकिन स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। यानी स्टैगर्ड रिवेटिंग में स्ट्रेंथ फाइंड करना चैन रिवेटिंग से थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी जो कुछ जिगजैग हमारी लाइंस भी इसमें हमें देखने को मिलेगी। किस तरीके से देखें, अगर हम बात करें स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में प्लेट हमारी किस तरीके से फेल होगी, तो यहां पर हम समय समझना होगा कि इसके अंदर हमारे जो फेलियर सेक्शन है वो किस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहां पर क्रिटिकल सेक्शन लिया 1-1, 2-2 या 3-3, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। इस तरह से रिवेटिंग, स्टैगर्ड रिवेटिंग केस में हम कौन कौन से क्रिटिकल सेक्शन, कौन कौन से हम फेलियर सेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, और उन सभी सेक्शंस को हम सेलेक्ट करेंगे, और उन सेक्शन के अलोंग हम क्या करेंगे, एरिया यानी नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, अलग अलग सेक्शन हमें लेने हैं और अलग अलग सेक्शन के अलोंग हमें नेट एरिया फाइंड करना है। फिर इन सभी नेट एरिया में जो सबसे मिनिमम नेट एरिया हमें मिलेगा उसके बेस पर हम स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेंगे। तो देखें, अब बात आती है कि सेक्शन किस तरीके से सेलेक्ट करें, यानी क्रिटिकल सेक्शन या फेलियर सेक्शन कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो देखें, आप क्या करें, इनमें से जो भी आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो लाइंस हमारी है, यहां पर आप कोई भी दो सेक्शन आप सेलेक्ट कीजिए। तो मैंने सेलेक्ट किया एक ये सेक्शन और ये सेक्शन, और इसकी मैंने नेमिंग कुछ इस तरीके से कर रहा हूं। यहां पर मैंने नेमिंग की ए, यहां पर मैंने नेमिंग कर दी बी, और यहां पर हमने की सी, और यहां पर हमने की डी। इसी तरह से इसको नेमिंग देते हैं ई, और यहां पर नेम दिया मैंने एफ, और यहां पर हमने नेम दे दिया जी। तो देखें, जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जब फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, टेंशन फोर्स जब अप्लाई करेंगे इस प्लेट पर, तो हमें अलग अलग सेक्शन पर फेलियर देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे पहला आप सेक्शन देखें, यानी हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल फेलियर सेक्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि प्लेट हमारी यहां यहां से फेल हो सकती है। तो देखें, सबसे पहले हमने किया कि सेक्स फेलियर सेक्शन अलोंग ए बी सी डी, हमने क्या किया, फेलियर सेक्शन अलोंग ए बी सी डी।
अब हम क्या करेंगे, अगर ए बी सी डी के अलोंग हमारी प्लेट फेल होगी तो हमारी प्लेट किस तरीके से क्रैक, इस तरीके से अलग अलग हो जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। आप देखें जरा यहां पर, ये हमारा है ए, ये है बी और ये है सी और ये है डी। तो जब हमारी प्लेट ए बी सी डी के अलोंग फेल होगी तो प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से फेल हो जाएगी और हमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। यहां पर हमारी पहले प्लेट क्या हुई, यहां पर क्रैक हो गई है, तो हमें फेलियर देखने को मिल सकता है ए बी सी डी सेक्शन के अलोंग। तो अब यहां पर आपको समझना है कि ए बी सी डी फेलियर सेक्शन के अलोंग आप नेट एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि देखिए जब नेट एरिया मिल जाएगा तो स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। तो यहां पर हम देखें सबसे पहले नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अलोंग ए बी सी डी, तो ए बी सी डी अलोंग देखें यहां पर, तो ए बी सी डी के अलोंग यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल एक ही लाइन में यानी एक ही सेक्शन में हमें दो रिवेट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हमें क्या मिल रहे हैं, दो रिवेट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने चैन रिवेटिंग का केस था बिल्कुल वैसा ही केस हमें यहां पर देखने को मिला। तो देखें तो यहां पर हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उम्मीद करता हूं आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि चैन रिवेटिंग के केस में किसी प्लेट का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आया था, बी माइनस एन इंटू डी मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमारा फार्मूला निकल के आया था किसका, जब हम चैन रिवेटिंग कर रहे थे, तो चैन रिवेटिंग केस में जैसे मैं अगर यहां की बात करूं तो अगर प्लेट की चौड़ाई b है तो b माइनस थ्री डी, यानी हमारा 3 क्या है, नंबर ऑफ रिवेट्स। तो यहां पर हमारे नंबर ऑफ रिवेट कितने हैं, दो। तो इस सेक्शन के अलोंग हमें कितने रिवेट देखने को मिल रहे हैं, दो रिवेट देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, b माइनस एन इंटू डी इंटू टी। तो ये हमारा सेक्शन एरिया देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन नेट एरिया देखने को मिलेगा किस सेक्शन के अलोंग, ए बी सी डी। लेकिन देखो स्ट्रेगर्ड रिवेटिंग केस में हमारा प्लेट ए बी सी डी के अलोंग भी फेल हो सकता है, और हमारा जो आगे अगर हम बात करें कैसे फेल हो सकता है, हमारी प्लेट इस तरीके से फेल हो सकती है, ए बी ई सी और एफ और जी, इस तरीके से भी हमारी अलोंग इस सेक्शन के अलोंग फेल हो सकती है। जैसे देखें यहां पर डायग्राम देखें, अगर हम ए बी ई सी एफ जी इस सेक्शन के अलोंग अगर आप देखें, आप देख पा रहे हैं यहां पर कि अगर हमारी ए बी ई सी एफ जी अगर हमारी इस सेक्शन के अलोंग फेल होगी तो प्लेट हमारी, प्लेट में जो हमारे क्रैक्स हैं वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। तो प्लेट हमारी इस सेक्शन के अलोंग भी फेल हो सकती है। तो इस सेक्शन के अलोंग अगर हम बात करें, यानी सेक्शन नंबर ए बी ई सी एफ जी, इस सेक्शन के अगर अलोंग अगर हमारी फेल होती है तब नेट एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि अब यहां पर हमारी जो रिवेट है वो चैन रिवेट फॉलो नहीं हो रहा, यहां पर तो हमारी जिगजैग लाइंस भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं बी माइनस, यहां पर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बी माइनस एन इंटू डी प्लस एन डैश पी स्क्वायर अपॉन फोर जी मल्टीप्लाई बाई टी, ये आप यूज करेंगे फार्मूला। अब इस फार्मूले में कौन सा टर्म क्या है, अभी समझाता हूं यहां पर। तो देखें b माइनस एन इन टू डी प्लस एन एन डैश पी स्क्वायर अपॉन फोर जी मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो इस फार्मूले में कौन सा टर्म क्या है वो अभी मैं यहां पर आपको डिटेल में बताता हूं। तो अब देखें यहां पर, यानी हम और आगे की बात करें और हमारा कौन सा फेलियर, पहले सारे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑल फेलियर सेक्शंस के बारे में। तो ये हमारा फेलियर सेक्शन हो गया। अब हमारा प्लेट जो है किसी इस तरह से भी फेल हो सकता है। तो देखें जब भी हमारी प्लेट में, जब भी हम फेलियर सेक्शन के अलोंग बात करेंगे और हमें ये जिगजैग लाइंस देखने को मिलेंगी तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। यानी स्टैगर्ड रिवेटिंग केस में जो हमारा मेन फार्मूला है नेट एरिया फाइंड करने का, वो यही फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करते हैं हम स्ट्रेगर्ड रिवेटिंग के केस में स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, नेट एरिया फाइंड करने के लिए। आगे देखें, अब आगे बात करें और हमारी प्लेट किस तरीके से क्रैक हो सकती है, हमारी प्लेट कुछ इस तरीके से ही फेल हो सकती है, यहां से हमारी इस तरफ ना जाए। तो ए बी ई सी और डी इस तरीके से भी हमारी फेल हो सकती है, जैसा आप देख पा रहे हैं अगले डायग्राम में कि फेलियर सेक्शन अलोंग ए बी ई सी डी। तो हमारा जो फेलियर सेक्शन है वो हमें इस पर भी देखने को मिल सकता है। आप देखें अगर हमारे यहां पर इस सेक्शन के अलावा हमारी प्लेट फेल होगी तो प्लेट का फेलियर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमारा कौन सा सेक्शन आया, ए बी ई सी डी, हमें सेक्शन ये देखने को मिला। दूसरा और भी कोई हो सकता है, तो इस तरीके से और भी हम सेक्शन देख लेते हैं। एक हमारा सेक्शन ये भी हो सकता है कि ए बी, देखेंगे यहां पर हमारा ए बी ई सी एफ
और जी हमारा इस सेक्शन, ये भी सेक्शन हो सकता है, ए बी इस तरह से हमारा ये सेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहां पर हमारा ये कौन सेक्शन हो गया, ए बी, ए बी सी, देखो ए बी ई सी एफ जी, तो ये वाला ए बी ई सी एफ जी ये हो गया। तो देखें इस तरह से और भी हमारे सेक्शन अभी देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल फेलियर सेक्शन हमारे कौन कौन से हमें देखने को मिल सकते हैं। एक सेक्शन और देखें, यहां पर आप सेक्शन इस तरीके से ही बना सकते हैं, यानी ए बी ई एफ जी इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ए बी ई एफ जी। तो हमारा और कौन सेक्शन हो गया, देखें ए बी ई एफ जी इस तरीके से बनाएंगे हम इस सेक्शन को। तो अब देखें यहां पर भी हमारी जिगजैग लाइन आ रही है, इस सेक्शन के अलोंग भी हमें जिगजैग लाइन देखने को मिल रही है। तो फार्मूला तो हमें वही यूज करना होगा, बी माइनस एन डी प्लस एन डैस पी स्क्वायर अपॉन फोर जी मल्टीप्लाई बाई टी। और यहां पर भी हम वही यूज करेंगे, बी माइनस एन इंटू डी प्लस एन डैस पी स्क्वायर फोर जी मल्टीप्लाई बाई टी। तो अब देखें जरा यहां पर, यानी हमें क्या करना है, आपको याद रखें मैंने अभी बताया कि स्ट्रगल्ड रिबेटिंग के केस में जहां भी हमें जिगजैग लाइंस देखने को मिलेंगी, यानी जिस सेक्शन के अलोंग हमें जिगजैग लाइन देखने को मिलेंगी, तो उस केस में हम नेट एरिया फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज करते हैं। तो अब देखें इस फार्मूले में कौन सा टर्म क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखें जरा यहां पर बी क्या है, यहां पर बी है हमारी यहां पर ग्रॉस विड्थ ऑफ प्लेट। बी क्या है यहां पर हमारी, ग्रॉस विड्थ ऑफ प्लेट, यानी किसी हमारी जो प्लेट है उसकी टोटल चौड़ाई, यानी ग्रॉस विड्थ ऑफ प्लेट का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारी डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये हमारी क्या है, ग्रॉस विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, दूसरा हमारा है यहां पर टी, यहां पर हमारा क्या है, दूसरा एक और टर्म ले लेते हैं यहां पर हम, टी क्या चीज है, टी है यहां पर हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट। टी क्या है यहां पर हमारी, थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो टी यहां पर हमारी क्या है, देखो ये जो हमारी यहां पर मैंने दिखा रखी है क्या है हमारी, टी थिकनेस ऑफ प्लेट। अब आगे बात करें एन क्या है, एन है यहां पर नंबर ऑफ रिवेट, नंबर ऑफ रिवेट्स अलोंग फेलियर सेक्शन, अलोंग फेलियर सेक्शन, यानी फेलियर सेक्शन के अलोंग हमारे नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं। तो अभी आगे एक एक करके सभी सेक्शन से बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आगे देखें, अब ये डीजी क्या है हमारा, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। डीजी क्या है यहां पर, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। नेक्स्ट हमारा एनडेस क्या है, तो देखो एन क्या है यहां पर हमारे, नंबर ऑफ रिवेट, यानी जिस सेक्शन के अलोंग हम बात कर रहे हैं फेलियर सेक्शन, जो हम फेलियर सेक्शन ले रहे हैं उसके अलोंग हमारे एन नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं। डीजी क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या है। बी क्या है, टोटल प्लेट की थिकनेस क्या, विड्थ क्या है, ग्रॉस विड्थ। एनडेस क्या है यहां पर, एनडेस है नंबर ऑफ जिगजैग लाइन, नंबर ऑफ जिगजैग लाइन अलोंग फेलियर सेक्शन, फेलियर सेक्शन, यानी जो हमारा फेलियर सेक्शन है उसके अलोंग हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन कितनी है, यानी जिगजैग लाइन। ये हमारी क्या है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ये हमारी जिगजैग लाइन कहलाती है। इस तरह से ये हमारी जिगजैग लाइन है सब, ये तो जी हमारी क्या है, जिगजैग लाइंस कितनी है किसी जो जो सेक्शन हमने कंसीडर किया है फेलियर सेक्शन के तौर पर। पी हमारा यहां पर क्या है, पी है यहां पर हमारी स्ट्रगल्ड पिच। पी यहां पर क्या है, स्ट्रगल्ड पिच है यहां पर। अब स्ट्रगल्ड पिच क्या होती है वो समझ लो। तो देखें जरा यहां पर स्ट्रगल्ड पिच, देखें कि यहां पर हमारी दो रिवेट लाइन, यानी कि दो क्रमागत, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट लाइन हम लें, तो स्टैगर्ड पिच क्या होती है, यानी कि दो क्रमागत, क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव, दो क्रमागत रिवेट लाइन, रिवेट लाइन, दो क्रमागत रिवेट लाइन पर स्थित, पर स्थित लगातार दो रिवेट्स के बीच की डिस्टेंस, लगातार टू रिवेट्स के बीच की डिस्टेंस, के बीच की डिस्टेंस कहां पर, फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल, फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल, फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल हमें लेना है,
फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल। तो देखें जरा यहाँ पर मैं अब दोबारा से बताता हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल या स्ट्रेस की डायरेक्शन के पैरेलल। तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी किस तरह से, ये तो फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल या और कह सकते हैं स्ट्रेस की डायरेक्शन के पैरेलल दो रिबेट लाइन पर स्थित दो लगातार रिबेटों के बीच की डिस्टेंस। देखें ये हमारी एक रिबेट लाइन ये हो गई, दूसरी रिबेट लाइन हमारी ये हो गई। तो आप किसी भी रिबेट लाइन पर देखें तो इस रिबेट लाइन पर अगर हम देख रहे हैं तो एक रिबेट ये हो गया और अगली वाली रिबेट लाइन पर यानी दो लगातार हमें क्या चाहिए, दो क्रमागत। तो अगली वाली हमारी कौन सी रिबेट लाइन है, ये तो दो क्रमागत पर, दो क्रमागत रिबेट लाइन पर स्थित दो क्रम से यानी कि सीरियल वाइज जो हमारे रिबेट्स आ रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी पैरेलल फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल जो रिबेट के बीच की डिस्टेंस है वो दो रिबेट लाइंस पर उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड पिच कहते हैं। दोबारा सुन लें कि दो रिबेट लाइन पर, ये हमारी दो रिबेट लाइन है, दो रिबेट लाइन पर फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल दो क्रमागत रिबेटों के बीच की दूरी है, दो क्रमागत मतलब दो सीरियल वाइज रिबेटों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, स्टैगर्ड पिच कहलाती है। अब बात करें गेज, जी का मतलब यहां पर है गेज। अब गेज क्या है, फोर्स या स्ट्रेस की डायरेक्शन, फोर्स या स्ट्रेस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, के परपेंडिकुलर दो रिवेट्स के बीच की डिस्टेंस, दो रिवेट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है हमारी, गेज डिस्टेंस कहलाती है, गेज डिस्टेंस कहलाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि देखें एक हमारी ये रिबेट, एक हमारी ये रिबेट हो गई, ये रिबेट हमारी ये रिबेट लाइन पर, ये हमारी रिबेट हो गई और दूसरी हमारी रिबेट कहाँ है ये, तो इनके बीच की जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी हमारी, गेज डिस्टेंस कहलाती है। तो अब देखें सारे हमने टर्म पढ़ लिए, अब हमें समझना है इसमें कि देखें अब आप बात करें फिर दोबारा से सेक्शन की। तो सेक्शन पर आप देखें एबीसीडी सेक्शन देखें सबसे पहले, तो एबीसीडी सेक्शन पर बी तो आपकी प्लेट की चौड़ाई हो जाएगी, नो इश्यू। टी आपको थिकनेस आपको पता है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ रिबेट अलोंग फेलियर सेक्शन। तो एबीसीडी के अलोंग हमारी नंबर ऑफ रिबेट कितने हैं यहां पर हमारे, एक दो, दो नंबर ऑफ रिबेट्स हो गए। डी क्या है यहां पर हमारा, डीजी यानी ग्रॉस डाया, हमारा डीजी क्या है हमारा, ग्रॉस डाया ऑफ रिबेट, हमें ग्रॉस डाया कैलकुलेट करना है। तो देखो बी माइनस एन इंटू डी, तो एन क्या यहां पर नंबर ऑफ फेलियर रिबेट्स, नंबर ऑफ हमारे नंबर ऑफ रिबेट्स अलोंग फेलियर सेक्शन। अब बात करें नेट सेक्शन एरिया अलोंग ए बी ई सी एफ जी, यानी इस सेक्शन के अलावा अगर बात करें तो देखें बी तो हमारी हो जाएगी ग्रॉस ब्रेथ ऑफ प्लेट, एन हो जाएगा नंबर ऑफ रिबेट। तो अब यहां पर देखें ए बी ई सी एफ जी के अलोंग हमारे नंबर ऑफ रिबेट कितने हैं, तो वन टू यानी यही तो हमारा सेक्शन है, तो वन टू थ्री फोर कितने रिबेट आ रहे हैं यहां पर हमारे, चार रिबेट आ रहे हैं सेक्शन के अलोंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चार रिबेट इस सेक्शन के हमें अलोंग देखने को मिलेगी। और यहां पर डी जी क्या है, ग्रॉस डाया है। एनडेस क्या है यहां पर हमारी, एनडेस है नंबर ऑफ जिगजैग लाइंस कितनी है, तो नंबर ऑफ जिगजैग लाइन देखें तो यहां पर हमारी जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइन कितनी है, एक दो तीन, तो तीन हमें जिगजैग लाइन हमें देखने को मिली यहां पर एनडेस। तो ये और पी क्या है यहां पर हमारी, स्टैगर्ड पिच जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। जी क्या है यहां पर हमारी, गेज डिस्टेंस जो कि हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। अब आगे बात करते हैं ए बी ई सी डी अलोंग, तो देखें एक कौन से सेक्शन के अलोंग, ए बी ई सी डी इस सेक्शन के अलोंग अगर आप देखें, बी हो गई हमारी ग्रॉस ब्रेथ, एन हो गई नंबर ऑफ रिबेट्स, तो नंबर ऑफ रिबेट कितने हैं इस सेक्शन के अलोंग, एक दो तीन रिबेट यहां पर आ रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, तीन। डी जी क्या है, ग्रॉस डाया ऑफ रिबेट। एंडस क्या है, नंबर ऑफ जिगजैग लाइंस, तो नंबर ऑफ जिगजैग लाइन अलोंग फेलियर सेक्शन, तो नंबर ऑफ जिगजैग कितनी है, वन टू, तो इस सेक्शन के अलोंग कितनी हमारी, दो जिगजैग लाइन है। और पी हमारी स्टैगर्ड पिच, और जी है यहां पर हमारी गेज डिस्टेंस, और टी है यहां पर थिकनेस ऑफ प्लेट। इसी तरीके से हम आगे पर भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब देखें हमने चार सेक्शन यहाँ पर सेलेक्ट किए, इसमें और भी सेक्शन बन सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ये सारे सेक्शन पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से विच इज मिनिमम यानी एरिया नेट हमें क्या करना है, मिनिमम सेलेक्ट करना है, मिनिमम हमें देखना है, टेक एरिया नेट मिनिमम, यहां से हमें क्या करना है, मिनिमम नेट एरिया हमें फाइंड करना है। इन सभी सेक्शन जो भी सेक्शन हमने कैलकुलेट किए हैं उनमें मिनिमम एरिया लेना है, और उस एरिया को यहां पर क्या कर देंगे अब आप, स्ट्रेंथ बराबर होता है परमिसिबल टेंशाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंशाइल
स्ट्रेस और मल्टीप्लाई बाई एरिया नेट। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या देखने को मिल जाएगा, हमें इसकी स्ट्रेंथ देखने को मिल जाएगी। परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस सिग्मा टी बराबर 0.6 एफ बाई लेते हैं अकॉर्डिंग टू कोड। यहाँ पर एफ बाई क्या है, यील्ड स्ट्रेस, और सिग्मा टी क्या है यहाँ पर हमारा परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस। ये हमारा आईएस 800 कोड के अकॉर्डिंग हम इसको रिकमेंड किया गया है। एरिया नेट हमारे पास है या डायरेक्टली परमिसिबल टेंशन स्ट्रेस की वैल्यू आपको गिवन होगी, नहीं गिवन है तो आपको एफ वाई गिवन होगा, तो उसके बेस पर आप सिग्मा टी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद एरिया नेट आपने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि आखिर हम कितने सेक्शन एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, तो देखें जरा उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। कईयों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमने यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ पर नेमिंग कर लेते, यहाँ से तरह से ले लेते। देखो जरा आप ये देखो, आपको चाहिए मिनिमम एरिया। आपको इस बात को ध्यान रखना है जब आप सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमें मिनिमम एरिया कब मिल सकता है। कोशिश करें कम से कम सेक्शन सेलेक्ट करने की और मिनिमम से मिनिमम एरिया फाइंड करने की जो भी एक्चुअल में मिल सकता है। तो देखें अब आप देखिए इस टर्म पर आप देखें, ये टर्म क्या है, ये हमारा टर्म पॉजिटिव टर्म है। ये क्या है टर्म हमारा पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर हमारा कौन सा साइन यूज हो रहा है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर हमें यूज देखने मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एन डैश इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एन डैश का मतलब जिगजैग लाइन इंक्रीज होंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमें नेट एरिया भी तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो प्लेट हमेशा उस सेक्शन के अलोंग फेल होती है जहाँ हमें मिनिमम एरिया मिल रहा होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर हमारी फेल इस तरह से हो सकती है, लेकिन प्लेट कभी भी इस तरीके से फेल होकर नहीं आई क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी ज़्यादा है, इस सेक्शन के अलोंग हमें ज़्यादा एरिया देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमारी प्लेट फेल नहीं होगी। ठीक है, तो अब इस तरह से आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सेक्शन और उसके बाद आपको मिनिमम नेट एरिया वाला सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, स्ट्रेंथ आपकी फाइंड हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपको देखने को वहां पर से मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो कमेंट लिखा है फिर दोबारा मैं वही कह रहा हूँ, आप उसे जरूर पढ़ें। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कंटेंट आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है पढ़ाई हुई चीज़ें, तब आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो थैंक्स डियर, चैनल देखने वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।